नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ। आज हेउछि 17 तारीख डिसेंबर मास शनिवार। आज मु आपणक पाखकु ओडिसा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करै आछि, जे खबर गुडीक आपण माने जानिबा निहाति जरूरी। तबे एति मथरे काळिया योजना, पीएम किसान योजना, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आजिर पाणी पाग, सुना दर, कोरोना अपडेट एवं आहुरी बहुत सारा खबर रही। से भिडियो शेष पर्यटन देखते चैनल नुआ कर आसते दयाकोरी चैनल को एवं ही सब्सक्राइब कर दिंतु, पाखे आसवा बेल आइकन को प्रेस कर रखु, जहाँफल एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसे आप सर्वप्रथमें नोटिफिकेशन जरिए पाइपर। तेज डेरी नक चलतु आज खबर उपर नजर पकड़। तेज आज प्रथम खबर, राज्य में राशन कार्ड को नहीं नुआ अपडेट। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजन मे जानुरी मस मध्य आवंटित होगा गहम कटा ह्रास कर। यह अंतर्गत गहम कटा ह्रास कर तेज एवल कटा वृद्धि पाई किसी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश में परिवर्तन होता बेले एवं यह सब राज्य और प्रदेश में राशन कार्ड अधिकारी को बिल्कुल मिलना अथवा कम गहम मिले ओडिशा यह सब सुविधा मिले कि नहीं आसतु जाने। तेज जातीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएससी राशन कार्ड अधिकारी को लगी जरूरी खबर, केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत गहम कटा ह्रास कर। तेज एवल कटा बढ़ी किसी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश में यह परिवर्तन होता बेले एवं यह सब राज्य और प्रदेश में राशन कार्डधारी को बिल्कुल मिलना। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकड़। ई श्रम कार्ड हिताधिकारी आसला एक खुशी खबर। तेज जन रखुच्छे ई श्रम कार्ड हिताधिकारी को मिले 10,000 टाँचा। आपण मैंने तो यह जानते हैं ई श्रम कार्ड या असंगठित क्षेत्र श्रमिक मैंने 2,00,000 टाँचा दुर्घटना बीमा कभर पाई। भविष्य में जदि श्रमिक मानी कौन सूचना आसे तेज यार लाभ माध्यम प्रदान कर। केन्द्र सरकार असंगठित क्षेत्र में श्रमिक मानी ई श्रम कार्ड योजना करते तेज एथपाई ई श्रम कार्ड या प्रक्रिया आरंभ हो बहुसंख्यक कर्मचारी ई श्रम पोर्टाल पंजीकृत हो सारी। देशर असंगठित सेक्टर कर्मचारी सामग्रिक कल्याण भारत सरकार एक जातीय डाटाबेस प्रस्तुत करते ई श्रम पोर्टाल प्रस्तुत कर मोदी सरकार। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकड़। वर्तमान बड़ खबर, पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना, आज बात्यार रूप नेब दक्षिण आंडमान सागर में सृष्ट लघुचाप अधिक घनीभूत हो बात्यारे परिणत हो। आज तेरे आज रात कि जिले में वर्षा पवन होगा बेले चार जिला को प्रबल वर्षा नहीं हाई अलर्ट जारी कर। तेज आउ कि घंटे लघुचाप घनीभूत हो उपात्र रूप नेबार संभावना रही। तेज यह कौन रही संपूर्ण बरण आसतु से विषय में जाना। तेज क्यों क्यों जिला को सतर्क सूचना जारी कर, क्यों क्यों जिला को अधिक वर्षा हो, क्यों क्यों जिले में अधिक पवन बह कौन रही संपूर्ण खबर आसतु जाना। दक्षिण आंडमान सगर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगापर यह बात्यार रूप नेब स्पष्ट हो। लघुचाप क्षेत्र आज उत्तर पश्चिम दिग्वे गति करने सहित अधिक घनीभूत हो। लघुचाप अधिक घनीभूत हो आसंता कि घंटा भितर अपात्र रूप नेबार संभावना रही है, तार कि घंटे बात्यार रूप नेबार संभावना रही। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनार एकादश किस्ती अपेक्षार अंत घटी। 12,50,00,000 हिताधिकारी योजना द्वारा खूब शीघ्र एक खुशी खबर पाए। तेज एप्रिल जुलाई मस मध्य योजनार एकादश किस्ती रिलीज हो गत वर्ष भाई मे मस किस्ती आसो जमापड़ी। सूचना अनुजाई राज्य सरकार जब कृषक स्थानातर पर अनुरोध दस्तखत कर पूर्व वर्ष एक किस्ती मे मस जारी होता एथपाय आशा कर मे मस प्रधानमंत्री कृषक मान किस्ती मुक्त करेंगे। सूचना योग्य कथा यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनार एकादश किस्ती सरकार ई केवाईसी बाध्यतामूलक करदे। तेज यार शेष तारीख मध्य मे 31 को वृद्धि करा योजन सरकार चाषी मान अकाउंट को वार्षिक 6,000 टंका पठाई थांती एवं यह तीनोटी किस्ती आकार रे आसी थाए। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकड़। विजु स्वास्थ्य कार्ड थी आपको मिले 10,00,000 पर्यटन मगणा चिकित्सा जानतु संपूर्ण अपडेट देखु आपणकर कौन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रथम पर्यायर कार्ड बांटि बेले एवं ब्लक और पंचायत स्तर को जी विधायक और नेता मंत्री 96,00,000 परिवार को एक कल्याण योजना जरिया पहुंची। योजना मलकानगि आरंभ कर स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन प्रक्रिया एवं ब्लक और पंचायत स्तर में जारी रखे मंत्री विधायक एथपाई दायित्व बंटा सरी। मुख्यमंत्री कहते चिकित्सा जमी कहार किसी असुविधा न हुए दृष्टि रखी योजना आरंभ कर। योजना 96,00,000 परिवार को कार्ड बंटन कर 36,50,000,000 लोक उपकृत हे। हॉस्पिटल रे कहा को कौन से कागज पत्र देवा को मध्य पड़ा ना स्मार्ट हेल्थ कार्ड पाखरे थिले चिकित्सा मध्य सुविधा मिले। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकड़। एबे एबे एसबीआई बैंक को नहीं आसला बड़ भयंकर खबर। एसबीआई ग्राहक मान को झटका, ग्राहक मान को उपर पड़ महंगार बोझ। सरकारी बैंक एसबीआई एमसीएलआर अर्थात मार्जिनल कॉस्ट
फंड बेस्ड लेंडिंग रेट दर रे 25 बेसिस पॉइंट बाद 0.25% बढ़ी। बैंक वेबसाइट अनुसार नुआ सुध दर 15 डिसेंबर लागू हो। जो ग्राहक लोन जारी रही है ईएमआई बढ़ी। एसबीआई 40 कोटी अधिक ग्राहक अच्छा परिस्थिति एसबीआई नुआ निष्पत्ति में नुआ और पुराणा उभय ग्राहक प्रभावित हो पारती। बैंक वेबसाइट अनुसार गोटे मस और 3 मास अवधि पर एमसीएलआर 7.75 बढ़ा जाए 8% कर। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकाइबा। भारत में पेट्रोल सस्ता कही पाठ पढ़ाई केन्द्रमंत्री। विभिन्न राज्य में लोक मैंने पेट्रोल लिटर पिछा 100 अधिक टंका दे किणुछन्ति। तथापि अन्य राष्ट्रगुड़िक तुलना में भारतवासी सस्तार पेट्रोल किणुछन्ति। केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी विश्व परिस्थिति और आंतरिक स्तर में आत्मसात तैल दर वृद्धि सत्व 2021-22 पीरियड में भारत में पेट्रोल दर मात्र 2% वृद्धि पाई दावी कर। संसद में गोटे प्रश्न उत्तर दे केन्द्रमंत्री पुरी कहते कि राज्य पेट्रोल और डीजल उपर लागू करुवा भैट ह्रास कर। केन्द्र सरकार उत्पाद शुल्क ह्रास करने से भैट कमाई किंतु किसी विरोधी शासित अंचल में भैट ह्रास करना से पेट्रोल और डीजल दाम अधिक रही से कहते। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकाइबा। ओपीएससी पक्ष बाहर 3481 पदवी जानतु डिटेल्स। चाकरी खोजुवा युवक युवती एक बड़ खुशी खबर आसी। ओडिशा सरकार तरफ 3481 पदवी पर नोटिफिकेशन जारी कर। इच्छुक प्रार्थी मैंने तले दी जा नोटिफिकेशन लिंक को जा सविशेष तथ्य पापारे। डिसेंबर मस 27 तारीख ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जानुरी 27 पर्यंत चलो। प्रार्थी बयस 2023 जनवरी मस पहला सुधा 21-38 वर्ष मध्य होता आवश्यक। प्रार्थी भारतीय मेडिकल परिषद एमसीआई स्वीकृति व्यापार जेकोण मेडिकल कॉलेज बा मेडिकल शिक्षानुष्ठान एमबीबीएस डिग्री हासिल कर दरकार। अण संरक्षित 1000 एससीएससी 225 अनुसूचित जाति 882 अनुसूचित जनजाति 1404 पदवी रही। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकाइबा। नुआबर्षर बढ़ अटा दर साधारण खाउटी खराब खबर कारण आसंता मस जानुरी देश में अटा दर आहरी महंगा हो। यार मुख्य कारण हूँ आगामी दिन में गहम मूल्य अहेतुक वृद्धि घटवार संभावना रही। जानुरी मस में गहम टन पिछा 2000 टंका वृद्धि होबार घर क्षेत्र में स्टक्र अभाव जो गहम मूल्य वृद्धि घटवाक जाए। रॉयटर्स रिपोर्ट अनुसार डिसेंबर मस में भारत में गहम स्टॉक 6 वर्षर सर्वनिम्न स्तर में पहुंची। सब आशंकर विषय हो आगामी दिन में गहम कौन नूतन जोगाण होवार संभावना ना। एसब दृष्टि आगामी दिन में देश में गहम मूल्य वृद्धि देखादेपे जो बजारे अटा महंगा हो। अपरपक्ष केन्द्रीय पुल में पर्याप्त परिमाण में खाद्यशस्य महजूद रही आशी केन्द्र सरकार कहते। वास्तव चित्र भिन्न रही गहम स्टक ह्रास देश में दर वृद्धि भरी सृष्टि कर स्पष्ट। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकाइबा। आज सस्ता हेरा सुना एवं रूपार दर अंतर्जातीय बजार में सुना दर ह्रास पाई। अमेरिका सुना 30.10 डॉलर अर्थात 1.07% ह्रास हो 1787.80 डॉलर में पहुंची जाए। इस सहित रूपा 3.44% ह्रास हो 23.305 डॉलर प्रति आउंस पहुंची। तेज भारत में चलित सप्ताह 55,000 अधिक होगापर सुना मूल्य पुणि थे ह्रास पाई। सारा देश में बहु ऋतु हेतु सुना और रूपा चाहिदा जथेष वृद्धि पाई जो सुना और रूपा मूल्य क्रमगत उत्थान पतन देखा। जदि आपड़ बहु ऋतु में सुना किणवाक चिंता करुँ तेज आज आप बहुत शस्ता मूल्य सुना पाक जाऊँगी। सप्ताह 55,000 अधिक होगापर सुना मूल्य पुणे ह्रास पाई। आज सुना मूल्य 400 अधिक ह्रास पाई। अंपक्ष आज रूपा मूल्य विषय आलोचना करवा तेज रूपा प्राय 900 टंका शस्ता हो पारे। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकाइबा। गुटका पान मसाला उपर लागू हेबो 38% स्वतंत्र टैक्स कमिटी उपस्थापन कला प्रस्ताव। मंत्रीमानंकु नै गठित कमिटी गुटका पान उपर 38% निर्दिष्ट टिकस भित्तिक शुल्क लागू करबाको प्रस्ताव देछन्ती। याको अनुमोदन करागले सरकार गुटका एवं पान मसाला बिक्रीरु अधिक राजस्व पाइबे। एहि टैक्स एहि जिनिस गुडकर खुचरा मूल्य सहित संयुक्त हेबो। वर्तमान एहि जिनिस गुडक उपर 28% जीएसटी आदाय करा जाउछि एवं से गुडकर मूल्य अनुजाई क्षतिपूरण शुल्क आदाय करा जाउछि। वास्तवरे मंत्रीमानंकु नै गठित कमिटीकु द्रव्य एवं सेवा कर बा जीएसटी परिषद एहि टिकस छाड़ सामग्री उपर क्षमता भित्तिक टिकस लागू करिया पाए विचार करबाको कहिथिले। यापर ओडिसार अर्थमंत्री निरंजन पूजा नेतृत्व में मंत्री कमिटी यार रिपोर्ट दाखल कर 38% टैक्स लागू करने को कहते। तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकाइबा। कोरोना परिचालन विफलता हेतु चाइनार परिस्थिति विस्फोरक। डब्ल्यूएचओ चाइनार व्यापुवा कोरोना महामारी को नहीं एवं भी सेठे आसंत
ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କୋଭିଡ୍ ନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHOର ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ ଆଡହନମ୍ ଘେବ୍ରେୟେସସ୍ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଚାଇନା ଚତୁରତାର ସହ ଜିରୋ କୋଭିଡ୍ ନୀତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ନୀତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ। ଏହାସହ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରୟତଃ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଘେବ୍ରେୟେସସ୍ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଚାଇନାର ଜିରୋ କୋଭିଡ୍ ନୀତିକୁ ଉଠାଇବା ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତି ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଚାଇନାରେ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଜିରୋ କୋଭିଡ୍ ନୀତି ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଆକଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଘେବ୍ରେୟେସସ୍ ଚାଇନା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ